वीडियो में हम लोग पढ़े थे रूल्स फॉर द रे डायग्राम मीन्स व्हाट कि व्हेन द रे ऑफ लाइट विल फॉल ऑन द मिरर व्हेन दे विल स्ट्राइक द मिरर व्हाट विल बी द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे फॉर दैट इंसिडेंट रे फॉर दैट वी हैड स्टडीड द रूल्स फॉर द रे डायग्राम एंड इन दैट वी हैड स्टडीड फोर रूल्स नाउ वी विल फॉलो दोज फोर रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर तो इन दैट वीडियो ओनली आई हैड एक्सप्लेन्ड हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड इन द कॉन्वेक्स मिरर नाउ आई एम इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द सेम थिंग वी विल यूज द सेम रूल्स इन फॉर्मेशन ऑफ इमेज बट इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ डिफरेंट साइज and nature are formed at different distance from the mirror so that thing we are going to study and let's see the position different position of object or for that different nature and size of image at different placements ki alag alag object ke position ke anusar alag alag image kahan banega uska position uska ray diagram uska nature हम लोग अभी इस वीडियो में देखेंगे ओके सो लेट्स सी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट सिक्स पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द ऑब्जेक्ट बी फार अवे फ्रॉम द मिरर मीन्स के ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि बहुत दूर है वैसे तो हम लोग इसके पोजिशन को कहते हैं इन्फिनिटी इन्फिनिटी मीन्स इन कंपेरिजन टू द फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर द ऑब्जेक्ट विल बी एट मोर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर सो हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी तो देखते हैं कि ये इमेज कहाँ बनता है तो इसके लिए हम लोग कॉन्केव मिरर पहले ड्रॉ कर लेते हैं कॉन्केव मिरर आप ड्रॉ कर आपने ड्रॉ कर लिया अब इसके पोल प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करते हैं फिर फोकस हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया अब क्या कीजिएगा कि रे और पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इस पर हम लोग इंसिडेंट कराते हैं ऑब्जेक्ट को हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं एक रे हम लोग लिए ऑब्जेक्ट के टिप से और एक हम लोग लिए ऑब्जेक्ट के बॉटम से ठीक है तो यहाँ ऑब्जेक्ट आप यहाँ दिखा सकते हो दूर मिरर से जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं होगा तो ओवर हियर ए बी इज द ऑब्जेक्ट अब हम लोगों ने रूल में क्या पढ़ा था इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस सो एक रे हम लोग लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि हम लोगों ने लिया ऑब्जेक्ट के टिप से तो ये रे फोकस से जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे ऊपर भी एरो डालना जरूरी है आपको फिर ये रे जो दूसरा रे हम लोग ऑब्जेक्ट के बॉटम से लिए ये भी रिफ्लेक्ट होके इसके फोकस से जा रहा है दोनों रे यहाँ इंटरसेक्ट किया बच्चों इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या है कि ऑब्जेक्ट के टिप का भी इमेज यही बना फोकस पर और ऑब्जेक्ट के बॉटम का भी इमेज यही बना इट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा है फॉर एग्जाम्पल तो इसके टिप और बॉटम का इमेज जब एक ही जगह यहाँ बनेगा टिप और बॉटम का इमेज इट मीन्स कि इमेज बहुत ही छोटा होगा तो इस तरह से जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है मिरर से तो इमेज यहाँ रियल तो होगा ही क्योंकि देख रहे हैं ना रिफ्लेक्टेड रे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर रियली तो यहाँ रियल इमेज बनेगा तो क्या लिखिएगा रियल इमेज इज रियल रियल इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड एज द इमेज इज रियल सो इट विल बी इन्वर्टेड ऑल्सो तो नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड पोजिशन ऑफ इमेज एट द फोकस ऑफ द मिरर ठीक है एक तो ये हो गया चलन बट अब मान लीजिए कि ये हमारा कॉन्केव मिरर है और
सपोज कि हम लेते हैं रे ऑफ लाइट इस तरह से, सपोज कि सन से रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट हो रहा है, तो इस तरह का जब आप रे लेते हैं तो ऐसे रे को हम लोग कहते हैं, पता है आपको, पैरा एक्सियल रे, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ये रे इधर से रिफ्लेक्ट होके गया, अब ये रे यहाँ से इंटरसेप्ट किया, ये रिफ्लेक्टेड रे देख रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करा है दोनों, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और आपका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये इमेज जो हमारा हो गया, इमेज बन गया फोकल प्लेन पर। फोकल प्लेन आप किसको कहिएगा, फोकस के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम लोग फोकल प्लेन कहेंगे। तो ये जो इमेज बना ये भी फोकस पर ही बना, ऑब्जेक्ट से छोटा ही बना, लेकिन जगह कहाँ इसका कहेंगे हम लोग, फोकल प्लेन बने कहेंगे। तो रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज, रियल वी विल राइट हियर, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। ओके चलिए, इसमें आपको अपना अंडरस्टैंडिंग लगाना होगा, आपको समझना होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट हमें दिखाई नहीं देता है, तो इमेज फॉर्म करता है ये भले हम लोग देखते हैं, तो हमें समझना होगा कि किस तरह से ये सब बताया जा रहा है, कैसे हम लोग रे ऑफ लाइट लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर को हम कॉनकेव मिरर के सामने इस ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, तो आपको नहीं दिखाई देगा इसमें, बट क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखते हैं तो बहुत ही छोटा इमेज, उल्टा इमेज बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम वो देख लिए, सॉरी इसमें नहीं आपको दिखाई देगा, तो लेट्स लीव दिस वन। आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे स्टेप वाइज मिरर के करीब लाएंगे, तो आप क्या देखिएगा, इमेज उसी तरह से मिरर से दूर जाएगा और ऑब्जेक्ट धीरे धीरे इमेज का साइज बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट मिरर के करीब, इमेज मिरर से दूर, साइज ऑफ इमेज बड़ा होता जाएगा इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट का दूसरा पोजीशन कहाँ है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग लेते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, और इसको हम लोग बिटवीन इंफिनिटी एंड सी भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट एट सी बियॉन्ड सी और बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। तो फिर से हम लोग कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिए, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसका इमेज ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक रे इसके टिप से लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बच्चों हमने आपको बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग हमेशा दो रे ले लेंगे ऑब्जेक्ट के टिप से, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल रियली इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट बट फॉलोइंग द रूल्स फॉर द रे डायग्राम। तो ये रे कहाँ से जाएगा, ऑब्वियसली यू विल रिकॉल, फोकस से जाएगा। दूसरा रे आप किसी भी रूल को फॉलो करते हुए ले सकते हो, मान लेते हैं कि इस रूल इस रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस पोल पर इंसिडेंट कराए। अब इसके लिए हम लोग रूल क्या पढ़े थे कि रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जाएगा, जितना रे एंगल इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगा, और ये जो रे हमारे आई तक जा रहा है तो ऑब्जेक्ट का टिप हमको यहाँ दिखाई देगा, उसी तरह से नीचे वाला पोर्शन हमको इसके ऊपर दिखाई देगा,
और आपको क्या क्या लग रहा है यहाँ, ऑब्जेक्ट इमेज जो है ये बनेगा एफ और सी के बीच रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर साइज इमेज इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी। ओके ना चिल्ड्रन, ये अब आप कहा क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, इन्फिनिटी से घट के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर के करीब थोड़ा सा पड़ा, ना ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट एट सी, नाउ ऑब्जेक्ट विल कम मोर क्लोजर टू द मिरर, सो लेट्स सी द रे डायग्राम अगेन। दिस वन इज कॉनकेव मिरर, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर वी आर ड्रॉइंग वी मार्क्ड, नाउ लेट अस हैव दिस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हम लोग सी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अभी आपने तीन ऑब्जेक्ट के थ्री पोजीशंस के लिए सॉरी टू पोजीशन के लिए हम लोग इमेज देखे। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो इमेज कहाँ बना, फोकस पर बना, बहुत छोटे साइज का बना। अब दूसरा पोजीशन क्या था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मतलब थोड़ा सा क्लोज आया मिरर के, तो आप क्या देखे, इमेज थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा पड़ा। अब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं, फिर से इसके टिप से एक रे ले लोगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि फोकस से जाएगा, ये फोकस से गया। दूसरा रे हम लोग जैसे आपका इरादा हो रूल को फॉलो करते हुए ले सकते हो, या तो फोकस से जाने दीजिए, पोल पर इंसिडेंट कराइए तो वीकर हम लोग वो ले इमेज फॉर्म करेगा। हम लोग देखते हैं, मान लो कि आप पोल पर ही इंसिडेंट कराते हो तो आपका देखिए इमेज कहाँ बनता है, देखिए ये रे जो रिफ्लेक्टेड रे है ये दोनों रे हमारे आई तक आएगा और हमको इमेज के ऑब्जेक्ट के टिप का इमेज यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से है तो उसका इमेज ऐसे दिखाई देगा, इसके टिप पर इसका इमेज दिखाई देगा। तो इस तरह से हमें इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड मिलेगा, ये तो इन्वर्टेड है तो रियल इमेज होगा, तो क्या आप कहिएगा, रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, सी पर इमेज बनेगा जो कि ऑब्जेक्ट के साइज का के बराबर होगा। ठीक है तो बच्चों अब क्या देखे आप, बहुत छोटा था इमेज पहले सबसे पहले पोजीशन के लिए, उसके बाद जब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा करीब आया तो इमेज थोड़ा सा दूर गया, उसका साइज बढ़ा। अब जब ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी हम लोग देख रहे हैं सी पर ही बना, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बना। अब
अब देखो और थोड़ा करीब ले आते हैं मिरर के करीब, तो व्हाट यू एक्सपेक्ट, अब क्या होगा, पहले तो छोटा से धीरे धीरे बड़ा बना, अब ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा इमेज। कब, जब ऑब्जेक्ट को और थोड़ा शिफ्ट करोगे तो अब ऑब्जेक्ट का हम लोग पोजिशन ले लेते हैं बिटवीन सी एंड एफ। फोर्थ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट और भी मिरर के करीब आ गया, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया आपका, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। अब ऑब्जेक्ट को पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ ड्रॉ कीजिए सी और एफ के बीच, ठीक है। अब एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं जो कि फोकस से गया, ये जो रूल हम लोग पढ़े उसके अकॉर्डिंग। दूसरा रे आप फोकस से भी जाते हैं, जाने दे सकते हैं, पोल पर भी इंसिडेंट कराते हैं, करा सकते हैं, तो हम लोग जाने देते हैं इस रे को फोकस से ही, ठीक है। तो फोकस से जाने के बाद रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर गया। तो चिल्ड्रन यहाँ हम लोग देख रहे हैं इमेज बियॉन्ड सी बनेगा, यानी कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है हमारे आई तक आया और हमें ये ऑब्जेक्ट जो है उल्टा दिखाई दिया, इसके ये स्ट्रिप का इमेज, इसका इमेज हमको यहाँ दिखाई दिया। उसी तरह से नीचे वाले पोर्शन का इमेज इसके ऊपर हमको दिखाई देगा और ऑब्जेक्ट हमें उल्टा दिखाया, सॉरी इमेज हमको उल्टा दिखाई देगा। अब क्या देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट इमेज का साइज बड़ा भी हो गया। देन हम लोग क्या लिखेंगे, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, सी के बाहर ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है, ये है। ओके, अब ऑब्जेक्ट का पांचवा पोजीशन हम लोग लेते हैं, फिफ्थ पोजीशन, ऑब्जेक्ट एट एफ। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ पर रखते हैं, तब देखते हैं हम लोग का इमेज कहाँ बनेगा। फिर से आप करके मिरर ड्रॉ कीजिए, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को और मिरर के करीब ले आए। अब तो आप देखिए कि ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा इमेज बना था, अब देखते हैं कि और ऑब्जेक्ट जब मिरर के करीब आ गया तब इमेज कैसा बनेगा। फिर से हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिए जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा, फिर से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जाने दे सकते हो। तो देखिए अगर हम यहाँ से जाने दें तो फिर रे ऑफ लाइट इसी पाथ से रिफ्लेक्ट होके इधर से जाएगा और ये दोनों रे आप देख रहे हैं पैरेलल हो जा रहा है। तो पैरेलल लाइन, ये आप ज्योमेट्री वाला पैरेलल लाइन नहीं कहोगे, ये रे ऑफ लाइट है, बहुत दूर जाके ये दोनों इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे जैसे यहाँ इंटरसेक्ट करता है उसी तरह से वहाँ बहुत दूर जाके ये दोनों रे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा और ये इमेज हम लोग कहेंगे कि इन्फिनिटी पर बना। जैसे कि पहला पोजिशन क्या था ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। सो क्या कहेंगे, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर इमेज बना, ठीक है बच्चों। तो क्या आप देखे, क्या ध्यान याद रखना है हमको, ऑब्जेक्ट मिरर से दूर, इमेज मिरर के करीब, साइज उतना ही छोटा, ठीक है। एक केस, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूर नज़दीक आएगा मिरर के, इमेज दूर जाएगा उसका साइज बढ़ता जाएगा, ठीक। ऑब्जेक्ट दूर, इमेज करीब,
साइज छोटा, ऑब्जेक्ट करीब, इमेज दूर, साइज बड़ा। ठीक है, अब देखते हैं एक और पोजीशन है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का एक और पोजीशन है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। सिक्स पोजीशन ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, सिक्स पोजीशन। सो अब हम देखते हैं पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहाँ है एफ और पी के बीच। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ इसका इमेज, जब हम मैंने फिंगर को ऐसे रखा है, चिल्ड्रन अगर आप देख सको तो, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है या ना, दिखाई देना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं कि जब ये पेन मिरर के करीब है तो हमको बड़ा इमेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं अपने फिंगर को इस तरह से रख रही हूँ तो आपको मेरे फिंगर का बड़ा इमेज दिखाई देगा इस तरह से। ये जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है कहाँ, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का बनेगा, ये फोकस पर गया। दूसरा, आप अगर पोल पर इंसिडेंट कराते हैं तो ये रे डाइवर्ज करता हुआ जाएगा। देख लो, इस दोनों रिफ्लेक्टेड रे में डिफरेंस है, इसमें क्या देख रहे हैं, पैरेलल है और ये डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हमको दिखाई देगा, जैसे लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे है, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज का है। और इस तरह से ये जो इमेज होगा हमारा, ये वर्चुअल इमेज होगा। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हमारे आई तक आया, इस तरह से इसका ये दोनों रे आई तक आया और लगता है जैसे हमें कि मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट है, और इस रे डायग्राम में लगता है कि दोनों रे मिरर के पीछे से आ रहा है। तो ये जो लास्ट केस हमारा है, इसमें क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इस तरह से बच्चों ऑब्जेक्ट के सिक्स पोजीशंस के लिए हम लोग देखे कि अलग अलग साइज का इमेज बनेगा, अलग अलग डिस्टेंस पर बनेगा, और कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का, रियल इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा भी, ऑब्जेक्ट से बड़ा भी, ऑब्जेक्ट के बराबर भी बनेगा। इस तरह से हम लोगों का ये रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। यू नीड टू रिकॉल ओनली द रूल्स फॉर द रे डायग्राम, देन थिंग्स विल बी डन, डायग्राम विल बी ड्रॉन। चिल्ड्रन, नॉट टू रिमेंबर द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वॉट वी डू, यू कैन रिमेंबर द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट का पोजिशन यहाँ इमेज कर दीजिए, साइज लिखते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट एफ पॉइंट साइज, इमेज बनेगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज एट इन्फिनिटी, ये लार्जर, लार्ज साइज विकल से बहुत बड़ा बनता है, इसलिए वो ब्लर दिखाई देगा। तो ये आप कह सकते हैं ना, एक सेट हो गया, एक पेयर ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें कि ऐसा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस एक दूसरे का उल्टा है। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज एट इन्फिनिटी बनेगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो इमेज
between C and F smaller, small size image बनेगा. Object between C and F, image beyond C होगा magnified, magnified image बनेगा. इस तरह से बड़ा image बना. ये दोनों देखते हैं हम लोग, एक दूसरे का उल्टा हो गया, दो पेयर. अब अलग अलग दो केस हो जाएगा. ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और एक ये अलग हो गया. और सबसे नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. इस तरह से हम लोग इस तरह से करके हम लोग ऑब्जेक्ट के पोजीशन को और इमेज के पोजीशन को याद रख सकते हैं बच्चों. तो ये इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे. इतना आप अच्छे से समझ लो, कर लो, तो देन ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट होगा और अच्छे से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और इसी पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर ये याद रहा तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी. अगर अच्छा लगे वीडियो, समझ में आए, देन यू लाइक एंड सब्सक्राइब. दैट विल बी reward for me. Thank you so much.